हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजिकल में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो बिना किसी देरी के। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस की बात करें दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे उन कुछ खास बीमारियों के जो अक्सर हमें हो जाती हैं और हम उनको मतलब फील कर चुके हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा उनको फील कर पाना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द बैक्टीरिया। देखो हम बात करेंगे उन सिंपल ऑर्गेनिजम्स की, उन छोटे छोटे जीवों की जो हमें अक्सर बीमार करते हैं, उनमें कौन आते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोन है, हेलमिंथ्स है। इन सब के बारे में हम डिटेल्ड मतलब 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एटसेट्रा कुड कोज अ डिजीज इन मैन। वो क्या करते हैं, इंसानों में बीमारियाँ फैलाते हैं। सच डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। और हर वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के बाहर से आता है और हमें करता है बीमार कहलाता है पैथोजन। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजन एज दे कोज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और देम। मोस्टली पैरासाइट पैथोजन हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को, या तो उसके अंदर रह के या उसके ऊपर रह के। द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। और पैथोजन हमारी बॉडी में अलग अलग तरीकों से एंटर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरफेयर करते हैं हमारी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी से। तो यहाँ पे क्या कहा है, जो पैथोजन है वो बॉडी में कहीं ना कहीं से घुस जाएंगे, हमारे अंदर आके मल्टीप्लाई करेंगे, और जब वो हो जाएंगे सफिशियंट अमाउंट के अंदर, तो करेंगे हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी को अफेक्ट, लाइक रेस्पिरेशन को, सर्कुलेशन वगैरह को, डाइजेशन वगैरह को। और उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, जिससे बॉडी की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आएगा और हमारी फिजियोलॉजी डैमेज हो जाएगी। पैथोजन हैव टू अडेप्ट और टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजन को अपने होस्ट के अंदर जो उसको एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेंगे उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करना पड़ता है, ढालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट नो ए वे टू सर्वाइव इन द स्टमक एट लो पीएच। देखो दोस्तों बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई पैथोजन आपके पेट में घुस रहा है, गट में घुस रहा है, तो सबको पता है वहाँ पे लो पीएच है, एचसीएल है जिसका पीएच 1 होता है, तो उस पैथोजन को, बैक्टीरिया को, वायरस को, पैरासाइट को, वो जो भी है, उसको कम से कम एक ऐसा तरीका तो पता होना चाहिए कि जो उसको पीएच में बचा लेगा। ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस हियर अलोंग विद द डिजीज कॉज्ड बाय देम। यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ उन मेंबर्स की जो बीमारी फैलाते हैं, या कुछ ग्रुप्स की जिसके अंदर वायरस बैक्टीरिया को हम पढ़ने वाले हैं। प्रिवेंटेटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दी डिजीज इन जनरल आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। और इनसे बचने के तरीके भी ब्रीफली बताए गए हैं अगले सेक्शंस के अंदर। दोस्तों सबसे पहले आपकी जो बीमारी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइफाइड, ठीक है दोस्तों। टाइफाइड को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो नाम यहां पर आया है, टाइफी सेल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कोज टाइफाइड। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव एजेंट। एग्जाम में बीमारी देंगे आपको, कौन उसको फैलाता है वो पूछेंगे, और उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं या वो कैसे बॉडी के अंदर काम करती है उसके बारे में पूछेंगे। तो आपको दो मिल गए आंसर कि टाइफाइड है और सेल्मोनेला टाइफी इसको फैलाती है। दिस पैथोजन जनरली एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये हमारी बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसते हैं, अब वहाँ तो खाने जाता है, थ्रू फूड और कंटेमिनेटेड वाटर विद देम एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। पेट में जाने के बाद बाकी ऑर्गन में जाते हैं ये ब्लड के थ्रू। सस्टेन हाई फीवर, जब आपको टाइफाइड होता है तो आपको लगातार काफ़ी तेज बुखार होता है, कमजोरी होती है, वीकनेस, स्टमक पेन, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह हो जाएगी आपको, हेडेक, सिर में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम। ये इसके कॉमन सिम्टम है। तो सिम्टम, डिजीज एंड द कॉजेटिव एजेंट, यहाँ से आता है क्वेश्चन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अगर सेवर केस, कुछ केस के अंदर भाई इंटेस्टाइन्स आपकी इन्फेक्ट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और भाई इंसान मर भी सकता है ब्लड लॉस वगैरह के कारण। अब बात करेंगे हम टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाय। अब इसका पता कैसे लगता है, टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय ए विडाल टेस्ट। दोस्तों टाइफाइड का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। एक क्लासिक केस इन मेडिसिन, एक केस की बात करते हैं, मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी, टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर, इसका नाम लिया गया। शी वॉज ए कुक बाय प्रोफेशन, और वो एक कुक थी प्रोफेशन से, वॉज ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड थ्रू और टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू देयर फूड स्प्रेड।
वो खुद बीमार थी तो उसकी प्रेजेंस से या उसके कुछ एक्टिविटीज से खाना हो जाता था कंटेमिनेट, और फिर क्योंकि वो कुक थी तो उसके खाने को लोग खाते और खाने के बाद हो जाता टाइफाइड। तो दोस्तों ये थी आपकी टाइफाइड। इसके बाद आपका आ जाएगा निमोनिया। निमोनिया है आपकी अगली डिजीज, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। दोस्तों यहाँ पे नाम आया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। ये दोनों इस बीमारी को करते हैं। इन ह्यूमन बात करेंगे निमोनिया की। निमोनिया इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वियोली करता गया। ये देखना दोस्तों हम पढ़ेंगे लंग डिसऑर्डर्स को, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को, तो उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। निमोनिया इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट एल्वियोली, इसमें जो लंग्स के अंदर बलून शेप्ड एल्वियोली होती हैं वो इन्फेक्ट होती हैं। कैसे? उनके अंदर फ्लूड बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वियोली गेट फिल्ड विद फ्लूड लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, जिससे आपको सांस लेने में आती है दिक्कत। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड क्या होगा? सिम्टम्स में फीवर होगा, तेज बुखार, चिल्स, कपकपी आपको आएंगी, कफ, खाफ, खांसी क्योंकि आपके लंग्स के अंदर लिक्विड भर चुका है, और सिर में दर्द। देखो कैसे आई, देखो फीवर तो होता है, फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, सॉरी। आपने देखा होगा टाइफाइड में भी हुआ था, यहाँ भी हुआ है, और ये तो आगे भी होगा। फीवर आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, जब भी बॉडी के अंदर बाहर से कोई चीज़ एंटर करेगी तो बुखार होगा ही होगा, क्योंकि एक नॉर्मल सी थियोरी है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो पैरासाइट बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। तो बॉडी अपना पहले टेम्परेचर बढ़ा के चेक करती है कि अगर हल्का फुल्का कोई पैरासाइट पैथोजन है तो मर जाएगा, नहीं तो आपको फर्दर इलाज के लिए जाना पड़ेगा। चिल्स, कभी-कभी आपको छूटती है, कफ, कफ क्यों आएगी? क्योंकि लंग्स पहले से ही भरे पड़े हैं। हेडेक, देखो दोस्तों हेडेक आपको होता है 99% मतलब कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, जहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुँच पाए प्रॉपर। तो जब लंग्स ढंग से काम नहीं कर रहे तो बॉडी में ऑटोक्लेव कम हो जाएगा और जाहिर सी बात आपको फिर हेडेक होगा। इन सीवर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लू। अब ऑटो की कमी है तो ब्लू हो जाएंगे आपके नेल्स। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीजिंग पर्सन। अगर कोई पर्सन छींक देता है, वेपर्स उसके आस पास निकल आते हैं, स्पिट आउट कर देता है, थूक देता है, तो वहां से उसके जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर भी जा सकते हैं। ये तो दोस्तों आपके बात कर रहे थे हम यहाँ पे पैथोजेनिक मतलब के बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, दो तो हमने पढ़ी, बाकी क्या लिखा है यहाँ पे, डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया और सम अदर बैक्टीरियल डिजीज। ये कुछ आपकी दूसरी बैक्टीरियल डिजीज हैं। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में और पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें।